नमस्कार दोस्तों, मैं अमित झा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राइडर अमित में। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या फिर जिस किसी भी माध्यम से बहुतों बार आप लोगों ने देखा होगा कि सरहद पे हमारे लिए, हम सबों के लिए जो जवान ड्यूटी करते हैं वो हमको बचाने के लिए सरहद पे गोली खाने के लिए 24 घंटे सातों दिन महीनों महीनों तक खड़े रहते हैं। क्यों? अपने समाज को बचाने के लिए, अपने भाई बंधुओं को बचाने के लिए वो गोली खाते हैं। और जब वो गोली खाते हैं तो भैया कमेंट पास करने में हमें लगती है, अच्छा लगता है कि यार उसके लिए ये होना चाहिए, उसके लिए ये होना चाहिए, ये कमी रह गई, वो कमी रह गई। लेकिन अभी अपनी बारी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये बीमारी हम लोगों को नहीं हो सकती है। दिमाग का यूज करें, दिमाग का। अभी कुछ भी हो सकता है, भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन कुछ हो गया ना तो फिर अफसोस और पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। दोस्तों, भाई और बहनों, हम सबको ये डिसीजन लेना है, ये निश्चय करना है कि हम लोगों को घर में रहना है या घाट में। सोच लें आप लोग। सरकार की तरफ मत देखो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को मत देखो, मत दोषी ठहराओ। केवल और केवल एक चीज पे ध्यान रखो कि वो जो बोल रहे हैं वो हम करें, हमको करना चाहिए। नहीं तो जिस तरह से आप मानोगे, जैसा कि अभी बाहर में चल रहा है, प्यार से मानोगे, बात से मानोगे, मानोगे वो सब आज माया जाएगा। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, केवल एक चीज, घर से बाहर ना निकलो, घर से बाहर ना निकलो, भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना जाओ, घर में कैद रहो 21 दिन। आपको अभी सब कुछ अवेलेबल है, किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चावल दाल आपको मिलेगी, इसकी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। फिर किसी भी दुकान के सामने सैकड़ों, 50, 10, 20, 25 झुंड बढ़ा के खड़े हो जाते कि पता नहीं ये राशन का दुकान कल से रहेगा या नहीं रहेगा। सरकार को दोष ना दो, सरकार अपना काम कर रही है और बेहतर कर रही है, किसी भी देश से बढ़िया तरह से कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री साहब हो, हेमंत सोरेन साहब, ये सभी अपने कार्यों को बखूबी बहुत ही कुशलता के साथ कर रही है, जिससे हम लोगों के ऊपर आंच नहीं आने देंगे वो लोग, क्योंकि हम लोगों के ऊपर एक रक्षा कवच बना के खड़े हैं। लेकिन वो केवल कवच बना सकते हैं, अगर हम सब ग्रसित हो गए तो फिर वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हाथ जोड़ के, नतमस्तक होके विनती करता हूं कि घर से ना निकलें। अगर समाज को, अपने घर को, अपने राज्य को, अपने देश को बचाना है तो दोस्तों, अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, चीन हो या फ्रांस हो, इटली हो या ये सभी देश जो मेडिकल फैसिलिटी में, मेडिकली डेवलपमेंट में हमसे कई गुना ज्यादा है, हमसे नहीं पूरे विश्व में सबसे आगे है, वो सब बौने साबित हो गए हैं इस वायरस के सामने। अब ये बताओ
फिर मेरा क्या होगा? दोस्तों पहले तुम ये वाली बात ना हो। सरकार अपना काम कर रही है दिन रात सुबह शाम, आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि भाइयों और बहनों घर से ना निकलो, लेकिन आप मानने को तैयार ही नहीं है। हम लोग को तो बस निकलना है। क्यों? अरे भाई हम लोगों को नहीं होगा, हमारा खान पान कुछ अलग है, हमारी कला संस्कृति अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो देश इस वायरस को इग्नोर किए हैं, नजरअंदाज किए हैं, उन सब का स्थिति आप नजर उठा करके देख लो, बद से बदतर स्थिति में है। अगर वो इस स्थिति में है तो थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो कि जनसंख्या के हिसाब से किस अनुपात में हमारे देश में जनसंख्या है। अगर हमारे देश में, हम सबके देश में अगर फैल गया, जैसा कि आज तक का रिपोर्ट है कि ये दूसरे स्टेज पे है, भगवान न करे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। अगर ये तीसरे स्टेज में जाता है तो फिर इसको रोकना असंभव है, असंभव। और इन सब की जो जिम्मेदारी है वो हम लोग खुद होंगे, इसके दोषी हम लोग खुद होंगे। मोदी साहब, प्रधानमंत्री साहब या हेमंत सोरेन साहब नहीं होंगे, ये सब हम लोग खुद कर रहे हैं और इसकी हम लोगों को बराबर सजा मिलेगी। इसीलिए दोस्तों समय है, सुधर जाओ। दोस्तों काफी जगहों से ये सुनने में आया है कि खाद्य पदार्थों की जमाखोरी हो रही है, दाम बढ़ा के लिए जा रहे हैं, ये सभी गलत हैं। अरे भाई इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते कम से कम अभी तो मत करो ये चीज, जबकि आप लोग सभी जानते हो कि पूरा विश्व इस कोरोना रूपी संकट से ग्रसित है। इसमें अगर हम और आप ही अपने समाज को नहीं सहारा देंगे, नहीं संवारेंगे, नहीं साथ देंगे तो फिर कौन आएगा? तो इसीलिए दुकानदार भाइयों से मेरी अपील है कि ऐसा ना करें, उचित कीमतों पे ही अपने सामान, राशन के सामान या फिर जो भी है सामान, अभी जो जिस चीज की दुकानें खुली हुई हैं, सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हाथ जोड़ के, कि ये लूटपाट वाली व्यवस्था को बंद करें और उचित मूल्य पे ही सभी सामान अपने समाज को, अपने साथियों को, अपने अड़ोस पड़ोस को उपलब्ध करवाएं। दोस्तों इस बीमारी से, इस प्रलयकारी बीमारी से कैसे बचा जाए, कैसे साफ सफाई रखा जाए, ये सभी तरीके, ये सभी सब कुछ हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, मुझे भी पता चला है, आप लोगों को भी पता चला है, और अभी समझाने और विचार करने का कोई भी समय नहीं है। इसी सभी अच्छे बातों और वादों के साथ और इसी संकल्प के साथ मैं अमित झा आप लोगों से विदा लेता हूं अपने आने वाले वीडियो तक के लिए। तब तक सुरक्षित रहें, सेफ रहें और अपना, अपने दोस्तों का, अपने प्रियजनों का, अपने समाज का खूब ख्याल रखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।